रहा हूँ कि कुछ लोग डालने वाले भी नहीं है, नॉर्मल लोग भी जा रहे हैं। सुमित भाई, जिनके मन में बहुत सारी और उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी, वो उम्मीदवारों को भी रास्ता दिखाया जा रहा है। ये बताएं, आप ये मानेंगे अरुण भाई कि आपकी पार्टी लीडरशिप जो है वो एम्बिशंस को मैच नहीं कर पा रही, क्योंकि आप कैंडिडेट्स भी ढूंढ रहे हैं? इन्होंने सही कहा, 30 दिन हो गया इनको अनाउंस किए हुए, ये कैंडिडेट हैं, आगे आपका कौन है, आप बता नहीं पा रहे हैं। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में आखिर में पूरी वर्किंग कमेटी बैठती है, सीईसी बैठती है, उसका फीडबैक लिया जाता है और फिर उसको डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सा है जिसपे तमाम लोगों की सहमति। लेकिन अगर इतना होगा अरुण भाई, ये काम तो सिटिंग जो एमपीज होते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उनके लिए कोई और रोल है कि नहीं। बीजेपी ने ये काम कर लिया, अनाउंस कर दिया प्रवीण खंडेलवाल। हमारे यहाँ पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर है, अब तो 10 साल से नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इस बात का है सुमित भाई, क्या है क्या है कि दिल्ली से कांग्रेस की सारी मामलात उखड़ चुके हैं, मजबूरी में इनको उस पार्टी का जूनियर बनना पड़ रहा है यहाँ पर, जो पार्टी के नेता इसी रामलीला मैदान में खड़े होकर के, और जिन्होंने उस वक्त मनमोहन सिंह से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के इन सब लोगों पर आक्षेप दिए, और आज ये उसकी बी टीम बन करके यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उसके बैसाखियों पर ये दिल्ली में चलेंगे। इसीलिए क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम बोला है। एक चीज बोलता हूँ, एक चीज दर्शकों को बताना चाहेंगे, मारिया हम ऐतिहासिक जगह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई याद दिलाने के लिए। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है, दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला यहाँ खेली जाती है। इसी रामलीला मैदान पर आजादी के पहले भी आंदोलन हुए और वर्तमान समय भी सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ आज से करीब 10-12 साल पहले, अन्ना हजारे के वक्त का आंदोलन, यही कांग्रेस की सरकार, यही हारून यूसुफ साहब तब करता धरता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, और पूरी की पूरी जड़ें हिला दी थी। अब जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी 3 दिन पहले यहाँ रैली हुई, जिनको सत्ता से उखाड़ कर फेंका गया उन्हीं के साथ बैठकर आपने मंच का इस्तेमाल किया रैली करने के लिए, और ये कहा गया कि अब हम मिलकर भाजपा को उखाड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने इसी मैदान पे कहा था, आरोप भी लगे तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए जी। अब क्या हुआ, आरोप लग गया, जेल में है तिहाड़ में, और वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे। दिल्ली की जनता ने, अभी लाखों लोग इसी बात पे इकट्ठा हुए हैं, लाखों लोग इसी दिल्ली की, राकेश भाई, दिल्ली की जनता ने, राकेश भाई मेरा एक सवाल आपसे, केजरीवाल ही, राकेश भाई चाहे बाहर रहे, राकेश भाई वो अंदर रहे, केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, राकेश भाई कोई शक नहीं है। अच्छा, राकेश भाई मेरा एक सवाल जी, सुन लीजिए, सुनो, अगर मोदी जी ने 6 कैंडिडेट क्यों बदल दिए आपके खिलाफ, जनता के बीच में है हम, अब जनता से सवाल होने चाहिए। और यहाँ पर एक कवि बैठे हुए हैं, इनका कुछ कहना है, आप अपनी कविता सुनाइए। देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया, और कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे, ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे। इस ऑडियंस में और एक और कवि है यहाँ पर है जो बैठे हुए हैं, आप बताइए। देखिए, मैं अपने शब्दों में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नफरतों का सभी पॉलिटिक्स पार्टियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इजाजत लेते हुए प्रवीण जी और हारून भाई से, कि नफरत मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन मुझे लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं कि नफरतों का ये असर देखो, अब जानवरों में भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे देख कर ये हैरान रह गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए, मंदिरों में गए तो पंडित दिखे, मस्जिदों में मुसलमान दिखे, लेकिन शाम को माफ करना जब मैं खाने गए तो वहां सब इंसान दिखे। ना मंदिरों को जानते हैं ना मस्जिदों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा अंदाज जमाने को खलता है क्योंकि मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, ये सबकी आवाज है, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल और हरे में मत बांटो, बस मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। सुमित, इसी तिरंगे के रंग से अब आगे आप सवाल पूछिए और फिर ऑडियंस से सवाल आएंगे। बिल्कुल, इसके बाद एक जी हारून भाई बोलिए, आप कुछ बोलना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा चर्चा, 400 पार की नारे भी लग रहे हैं, हमारे भाई नारे लगा रहे हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो सवाल कर रहे थे कि तमाम पार्टियां क्यों इकट्ठी हुई, तमाम पार्टियों का एक ही सिद्धांत है आज कि किस तरीके से देश का संविधान बचाए, जो किसानों का हाल हो गया देश के अंदर उनको किस तरीके से राहत दी जाए, आज महिलाओं की सुरक्षा का जो हाल है उसका क्या किया जाए। इस तमाम चीज की वजह से हम तमाम लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हैं, और हम आने वाले, इससे पहले भी आपने सुना था
बंगाल के अंदर का 200 पार, तेलंगाना में 75 पार। अरुण भाई आपने पूरी बात की, मैं आपको भी मौका दूंगा। हमको पता है एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है, दूसरी तरफ बड़ा सा वैक्यूम है, ब्लैंक है, जीरो दिखता है। चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पर क्यों आदमी वोट करे? अगर आप इनसे कहें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होने वाला है, एक नाम तो बताइए। खड़गे जी होंगे, राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, कौन होंगे? एक तूफान है, एक भीड़ है जो दिख नहीं रही है। सुमित जी वो भी जब चुनाव खत्म होगा उन्हीं के बीच में से एक आदमी चुना जाएगा जो इस देश का नेतृत्व करेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं। कितना कंसर्न है जनता के बीच में कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे तरफ कोई नहीं। पहले खंडेलवाल जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये इनकी चिंता ही नहीं है। वो जो आपने कहा ना इतना बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि इनको पक्का मालूम है कि वो वैक्यूम तो रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि प्रधानमंत्री वही बने। इसलिए इनके यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा हो ही नहीं सकती। 2004 में भी हिंदुस्तान बहुत चमका था, आज भी उसी तरह चमकाने की, उससे ज्यादा चमकता है, उससे ज्यादा चमकता है। अरुण भाई फिर से जनता, मैं चाह रहा हूँ मारिया, मैं चाह रहा हूँ जनता से अगर ये पूछा जाए, एक मिनट रुक जाइए, मैं जनता ये पूछिए जनता से कि प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो मोदी जी के सामने किसको देखना चाहते हैं, उनके हिसाब से कौन होना चाहिए? यही सवाल मोदी जी के सामने जो दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क है, कौन है वो? कौन है मोदी जी के सामने? मोदी जी के सामने कोई नहीं है, क्योंकि ये तो जितने दिग्गज जिनके अभी अरुण भाई नाम ले रहे हैं यही तय नहीं कर पा रहे। ममता, लालू, मुलायम, राहुल यही आपस में तय नहीं कर रहे, क्योंकि मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी जी हैं। और अभी मेरे अपने भाई ये कह रहे थे कि गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान का हो गया। अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस जिम्मेवार है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहते थे कि संसाधनों में पहला अधिकार है तो अल्पसंख्यकों का है। 100 जिले छाटते थे तो पूछते थे वो जिले छाटो जहां मुसलमान पिछड़ा रह गया। आज प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि संसाधनों में पहला अधिकार दलित का, पिछड़े का, वंचित का, गरीब का, शोषित का है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं 100 जिले वो छाटो जो डेवलप नहीं हुए, वहां हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, क्रिश्चियन आ गया। तो मोदी जी जो है वो सबको साथ लेके चल रहे हैं और देश सारे इस बात को समझ रहा है। मारिया बहुत ही पर्टिनेंट बात उन्होंने उठाई है। एक मिनट मैं आऊंगा, एक मिनट एक एक